कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली या त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी की सहायता से त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। कार्तिक पूर्णिमा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीप दान, हवन, यज्ञ आदि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान का फल दो गुना या इससे अधिक भी मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इस दिन गंगा स्नान को बेहद शुभ माना जाता है। सुबह के वक्त मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर विष्णु भगवान के किसी मंत्र का पाठ करें। इसमें भी पाठ कर सकते हैं। नमो स्तवन अनंताय सहस्रमुखे सहस्रपादाक्षी शिरोरु बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। घर में हवन या पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु दान कर। शाम के समय मंदिर में दीपदान करें। गंगा नदी के किनारे दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दीपदान से दसों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इसी कार्तिक पूर्णिमा की शाम को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली के 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली मनाई जाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार में जन्म लेने और भगवान शिव द्वारा राक्षस तारकासुर और उनके पुत्रों का वध करने की वजह से मंदिरों में ढेरों दीपक जलाए जाते हैं। देवताओं को चढ़ाए जाने वाले इन्हीं दीपों के पर्व के कारण इन्हें देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके तीन पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्ती ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीन अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्माण कराया, तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए दिव्य रथ का निर्माण कराया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण और यम कुबेर से रथ के चार घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों ने इसे बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़े और तथा तीनों का नाश किया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को
त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा।